असलकम वाला इन लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी ड्राइवड द फार्मूला फॉर मैगनेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू ए सर्कुलर लूप कैरियंग करंट आई एट ए पॉइंट ऑन इट्स एंड वॉज मे नाट आई ए स्क्र डिड टू आइस एक्स स्क् प्लस ए स्क्र ट्रेस फॉर थ्री बाई टू तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं जो हमारे पास करंट लूप होता है उस करंट लूप की वजह से एक्सीज पे मैगनेटिक फील्ड बेटा इतना बनता है ठीक लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में बस थोड़ी चेंज होती है मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ये समझ जाए कभी कभार ये रिंग में करंट नहीं दी हुई होगी कभी कभार हमारे पास रिंग जो होगा बेटा ये चार्जड होगा क्या होगा चार्जड सो मान लीजिए ये रिंग बेटा चार्जड है और ये रिंग ही रोटेट कर रहा है करंट फ्लो हो या चार्जड रिंग रोटेट करे एक ही बात है जब चार्जड रिंग बेटा और रोटेट करेगा इसका मतलब है कि करंट फ्लो हो रही है मान लीजिए ये रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है और सीन बराबर सेम है यानी हमें इस पॉइंट पे बड़ा मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है इसका रेडियस ए है तो बराबर हम क्या करेंगे फॉर्मूला तो बराबर यही आएगी बस करंट यहाँ पर नहीं दी है करंट के बदले आप क्या लिखेंगे तो नॉर्मली इस पे रिंग पे जो बेटा चार्ज टोटल चार्ज दिया है वो क्यू दिया है क्यू इज़ द टोटल चार्ज ऑन द रिंग तो आप मुझे बता सकते हैं करंट कितनी होगी फिर रिंग में बेटा करंट होता है चार्ज बाई टाइम अच्छा तो मैं मान लीजिए एक रोटेशन लूँगा सपोज ये एक पर्टिकुलर पॉइंट में ले रहा हूँ जब रिंग एक बार रोटेट करेगा इस पॉइंट को जो है बेटा ये सारा चार्ज क्रॉस करेगा यानी करंट जो है चार्ज डिवाइड बाई टाइम टाइम पीरियड ऑफ वन सर्कुलेशन बिकॉज एक रोटेशन में ये सारा चार्ज जो है एक रोटेशन जब कंप्लीट होगी ये पॉइंट वापस इधर आया होगा यानी एक रोटेशन में इसने भी क्रॉस किया होगा इसने भी इसने भी इसने भी सारा चार्ज क्रॉस किया होगा इस पॉइंट को सो so, एक रोटेशन में सारा चार्ज क्रॉस किया होगा सो करंट डेफिनेटली अब किसके बराबर आएगी चार्ज में बेटा टाइम किसके बराबर होता हमें ओमेगा दिया होगा एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है और आप बहुत अच्छे से जानते हो टाइम पीरियड बेटा किसके बराबर होता है टू पाई बाई ओमेगा यानी ओमेगा ऊपर जाएगा ये क्या बनेगा क्यू ओमेगा बाई टू पाई अब डायरेक्टली बताए फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा नो no, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू तो म्यू नॉट आई के बदले क्या लिखेंगे शाबाश क्यू ओमेगा बाई टू पाई और साथ में क्या बेटा ए स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज पॉर थ्री बाई टू सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रोटेटिंग रिंग अगर रिंग ही बेटा रोटेट कर रहा होगा अब डिफरेंट uh, चीज़ों में डिफरेंटली ये चीज़ें काम आएँगी मतलब कभी कभार हमारे पास रोटेटिंग डिस्क होगी और ट्राई करना अगर हमारे पास रोटेटिंग डिस्क होगी हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है तो क्या आएगा वो मैगनेटिक फील्ड तो so, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मुझे बेसिकली आज एम्पियर सर्क्यूटर लॉ पढ़ाना है सो एम्पियर सर्क्यूटर लॉ पढ़ाने से पहले मैं और एक छोटा सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा सबसे पहले मुझे बताइए आपको ये बात तो पता ही होगी सेंटर की अगर हम बात करेंगे अगर मैं रिंग के सेंटर की बात करूँगा सेंटर पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है पर मैंने प्रूव भी किया और यह हमने ऑलरेडी बताया हुआ है जो हमारे पास करंट लूप होता है इसमें अगर करंट फ्लो हो है, है? I रही है आई सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा म्यू नॉट आई बाई टू आर आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग ठीक सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप ये ऑलरेडी पिछले टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं यहाँ से भी बेसिकली डराइव हो सकता है लेकिन एक बात तो कन्फर्म है वो ये कि लेकिन एक बात याद रखना जो हमारे अगर अब रोटेटिंग चीज़ होगी रोटेटिंग रिंग है करंट होती है क्यों उमेगा बाई पाई क्यों उमेगा बाई पाई एक छोटा सा क्वेश्चन कराएंगे उसके बाद बड़ा आगे बढ़ेंगे और एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज वी हैव है रोटेटिंग डिस्क एंड वी नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क देखिए क्वेश्चन बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है आप देख लीजिए हमारे पास एक डिस्क है और ये डिस्क जो है बेटा इस पे चार्ज फैला हुआ है यानी चार्ज जो है दैट इज स्टोर्ड इन एरिया ऑफ द डिस्क ठीक तो ये डिस्क बेटा रोटेट कर रही है विद एन एंगल और विलोस ओमेगा एंड वी हैव टू फाइंड द मैगनेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क तो कैसे ये क्वेश्चन किया जाए क्योंकि हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रिंग सर्कुलर रिंग एट द सेंटर इज ऑलवेज इक्वल टू म्यूनाट आई बाई टू आर दिस इज मैगनेटिक फील्ड ड्यू टू दैग्नेटिक फील्ड जो बेटा ये रिंग की वजह से लेकिन डिस्क की वजह से हम निकाल सकते हैं सबसे पहले कुछ गिवन कंडीशन है बेटा क्या क्या है ये रिंग जो है ये डिस्क ये रोटेटिंग डिस्क है बेटा इट इज ओ रोटेटिंग डिस्क इट इज रोटेटिंग डिस्क और इट इज रोटेटिंग एंगर लॉस्टी ओमेगा इस पे चार्ज जो बेटा स्टोर है इस डिस्क पे चार्ज टोटल चार्ज स्टोर है क्यों और हमें क्या करना है वो हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क फाइंड बी एट सेंटर हमें इस डिस्क के सेंटर पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है तो हम क्या करेंगे मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट यहाँ पे लूँगा एक एरिया एलिमेंट जिसको जिसकी थिकनेस बहुत बहुत कम है नेगलेजिबल है और इसको मैं ट्रीट कर सकता हूँ एक रिंग एक्चुअली मैं इस पूरे डिस्क को इन रिंग्स में डिवाइड करूँगा सारे रिंग्स से मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा उन मैग्नेटिक फील्ड्स को फिर बेटा ऐड करूंगा तो सबसे पहले मुझे बताएं ये जो है ये वाला रिंग ये वाला रिंग ये भी रोटेट तो कर रहा है ना रिंग भी रोटेट कर रहा है और इसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से तो सबसे पहले मैं मैं कोशिश करूंगा इस रिंग में चार्ज निकालने की फिर करंट बिकॉज मुझे पता है रोटेटिंग रिंग जो होता है उसकी जो करंट होती है अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा इट टू क्यू ओमेगा बाई टू पाई ठीक है ना बेटा सो so, ये करंट होती है जो हमारे पास रोटेटिंग रिंग होता है उस रोटेटिंग रिंग में करंट ये होती है क्यू इज द चार्ज इन द रिंग इस रिंग में अब कितना चार्ज है अगर मैं इस रिंग को सबसे पहले मैं ये रिंग ले रहा हूँ बेटा एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर और इसकी थिकनेस जो ले रहे हैं दैट इज डी आर अगर मैं इस रिंग को काटूंगा काट के ये ऐसा हो जाएगा यहाँ पर मैंने काटा इस रिंग को खोला सो so इसकी थिकनेस बेटा कितनी है डी आर है और इसकी लेंथ कितनी होगी इस रिंग के सरकमफ्रेंस के बराबर एंड दैट विल बी टू पाई आर सो इसकी लेंथ होगी टू पाई आर अब इस स्ट्रिप का एरिया मुझे बेटा बता सकते हैं इसका एरिया कितना होगा लेंथ इन टू ब्रेड यानी टू पाई आर इंटू डी आर और चार्ज फिर कितना होगा चार्ज होगा एरिया इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी बिकॉज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बेटा दी हुई है इसका मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया दिया हुआ है सिग्मा दिया है चार्ज पर यूनिट एरिया बेटा दिया हुआ है तो मुझे बता सकते हैं फिर इसमें चार्ज कितना होगा चार्ज होगा टू पाई आर डी आर एरिया Into सिग्मा सिगमा सिगमाइचार्ज पर यूनिट एरिया ये कितना एरिया है टू पाई आर डी आर ये टोटल चार्ज निकला तो करंट कितनी होगी इस सरिंग में बेटा क्योंकि बदले मैं लिखूँगा टू पाई आर डी आर सिगमा इंटू अब ओमेगा बाई टू पाई अपना मैं साथ लिखूंगा यहाँ टू पाई टू पाई बेटा कैंसिल होगा तो क्या है ये बन जाएगा ओमेगा आर डी आर और सिग्मा में यहाँ पर लिखूंगा सिगमा ओमेगा आर डी आर तो ये बेटा हमें क्या निकली ये हमें निकली करंट इस रिंग में अब इस रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा ये फॉर्मूला में यूज कर सकता हूं ना बेटा तो बताइए करंट फिर किसके बराबर अब मैग्नेटिक फील्ड इस रिंग की वजह से कितना होगा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूँ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बेटा जो आएगा ये करंट निकली हमारी सो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आएगा न्यू नॉट बाई टू आर मल्टीप्लाइड बाई करंट करंट का वैल्यू क्या है सिग्मा ओमेगा आर डी आर ठीक है तो आर आर बेटा यहां पे कैंसिल हो जाएगा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग एट द सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू सिग्मा ओमेगा डी आर यह हमें निकला इस रिंग की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अब सारे रिंग से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आएगा आई विल राइट टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी बी सो म्यू नॉट बाई टू सिगमा ओमेगा डी आर वेरिएबल चूंकि स्मॉल आर है पहला एलिमेंट पहला एरिया एलिमेंट बेटा मैं यहाँ पे लूंगा उसके लिए स्मॉल आर का वैल्यू होगा जीरो लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ लेंगे उसके लिए स्मॉल आर का वैल्यू होगा कैपिटल आर बिकॉज कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क तो आर का वैल्यू जाएगा कहाँ से कहाँ जीरो से कैपिटल आर तक कॉन्स्टेंट्स बेटा बाहर निकालिए सो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा म्यू नॉट बाई टू सिगमा ओमेगा डी आर की इंटीग्रेशन बेटा आर हो जाएगी कहाँ से कहाँ लिमिट है जीरो टू आर बस ये सारा खत्म हो गया नो वट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रोटेटिंग डिस्क इक्वल इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू सिगमा ओमेगा आर के बदले अपर लिमिट यानी क्या आएगा आर सो दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क ठीक है बेटा सो so ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको आगे भी तो फिलहाल ये बेसिक सा क्वेश्चन था रोटेटिंग डिस्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला सेंटर पर स्टार्टिंग विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर डेट इज एम्पियर सर्क्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको हम कहेंगे बेटा एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ तो मैं लिख रहा हूं ये बोर्ड एग्जाम में अभी आता है ज्यादातर एम्पियर्स सर्क्यूटल एम्पियो एम्पियर सर्क्यूट हमें क्या बताता है ये बराबर जैसे गोसथॉलम गोस है लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैसे ही मैग्नेटिज्म में, में बेटा क्या है एम्प्योर सर्क्यूटर लॉ एमप्य सर्क्यूटर लॉ एक्चुअली हमें देता है करंट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये हमें बताता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वो डाइवर्स होता है मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए बाहर जा रहा है ऐसे ऐसे ये फील्ड होता है कौन सा फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अब देख रहे ये फैल जाता है इसको कहते हैं डाइवर्श होना ये दूर जा रही है एक दूसरे से लाइन सो इलेक्ट्रिक फील्ड शोज डाइवर्जन इट शोज डाइवर्जन्स लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं होता अगर हमारे पास कोई करंट वायर है मैग्नेटिक फील्ड इसके इर्द गिर्द होता है बेटा सर्कल्स में इसमें होता है सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड होता है यानी मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है सर्कुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता है डाइवर्जन सर्कुलेशन दिखाने को कहते हैं कर्ल सो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली कर्लस तो कर्ल जो है ये कर्लिंग जो है ये सर्कुलेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कुलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज होता है एमप्य सर्क्यूटर लॉ हमें ये बताता है कि बड़ा मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलेशन कितना ज़्यादा है जिस तरह इलेक्ट्रोसाइट्स में थ्योरम हम हमें बता रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस कितना है ये कितना डाइवर्ज हो रहा है एम्प्योर सर्क्यूटर लॉ हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलेशन कितना ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड कितना सर्कुलेट कर रहा है सो so, कर्ल जो है ये एमप्योर सर्क्यूटर लॉ जो है बेटा ये हमें बताता है क्या इट गिव्स द सर्कुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट करंट कैरिंग कंडक्टर सो ये बात याद रखिए सर्कुलेशन हमें देता है सो मै सो आज की बात याद रखिए जितना मैग्नेटिक फील्ड करल दिखाएगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है सो सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम सर्कुलेशन से बयान करते हैं अब ये सर्कुलेशन का मतलब क्या है नॉर्मली जब हम चेक करेंगे मान लीजिए हमें हमारे पास करंट वायर है ठीक ये करंट वायर इट इज कैरिंग इस करंट आई तो एम्पियोर सर्क्यूट वाला हमें ये कहता है कि सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ अगर मैं एक इमेजिनरी पाथ ले लूँगा इमेजिनरी लूप लेंगे मान लीजिए मैंने एक करंट ये करंट है मैंने एक इमेजिनरी लूप ड्रा किया यहाँ पर इमेजिनरी एक लाइन मैंने ड्रा की एक पाथ ड्रा किया So, इस बात में मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलेशन कितना ज्यादा होगा वो डिपेंड करेगा करंट एनक्लोज पे वो सर्कुलर लॉ की बेसिक स्टेटमेंट तो यही है सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट वायर इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द करंट यानी जितनी ज्यादा बेटा करंट एनक्लोज होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलेशन होगा सो so, मैं कह सकता हूँ सर्कुलेशन एक्चुअली सर्कुलेशन सर्कुलेशन इज इक्वल टू टाइम इज़ द करंट एंड क्लोज्ड ठीक सो एम्पियो सर्कुल्लह हमें यही कहता है सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू म्यूनाट टाइम्स द करंट एंड क्लोज या हम सर्कुलेशन को नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करूँगा कि सर्कुलेशन असल में हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल वट डज दिस मीन इसका मतलब है हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करते हैं ओवर द लेंथ ऑफ द लूप जो आपने इमेजनरी लूप लिया आप मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करते ऐड करते ऐड करते और वही इंटीग्रेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करना ओवर द क्लोज लूप उसी को बेटा सर्कुलेशन कहते हैं इस पर मैं एक अलग लेक्चर दूंगा फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट यानी ऐड कर रहे हैं किस पे किस, पे किस पाथ पे इस पाथ पे इस इमेजनरी लूप पे इसको एम्पेरियन लूप हम कहते हैं क्या कहते हैं बेटा इसको कहते हैं एम्पेरियन लूप एम्पेरियन लूप एम्पेरियन लूप।, लूप की भी डायरेक्शन ली जाती है इसके लिए भी एक तरीका है सिखाएंगे धीरे धीरे सो so, फिलहाल मैं कह रहा हूँ एक्चुअली ये क्या देता है सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मूनर टाइम्स अ करंट एनक्लोज या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू म्यूनर टाइम्स अ करंट एनक्लोज सो इसकी में अगर लिखना चाहेंगे एम्पेयर सर्कुलर लॉ की इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द करंट एन क्लोज यानी बी डॉट डी एल जो बेटा किसके बराबर होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एन क्लोज ठीक तो अब अगर मान लीजिए कोई मीडियम होगा यहाँ से यहाँ तक लूप के अंदर कोई मीडियम होगा तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल जो बेटा आएगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर करंट एन क्लोज म्यू आर का मतलब है रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम सो दिस इज़ द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ एम्पेयर सर्कुटोला बेटा इसकी आपको पी डी एफ मिलेगा उसमें नोट्स वगैरह सारा बना के हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी इससे पहले कि अब ये बात अब याद रखें एम्पेयर सर्कुल्ला हमें क्या देता है बेटा सर्कुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कल्ड म्यूना टाइम्स करेंट एनक्लोज या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू इकोल्ड टाइम्स द करंट एनक्लोज ठीक तो इसका छोटा सा एक प्रूफ है जो एग्जाम में आप कर सकते हैं इसका छोटा सा प्रूफ आप ले सकते हैं तो प्रूफ क्या बेटा इसका प्रूफ ये है मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन में मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करूंगा ओवर द क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल शाबाश तो ये मैं देखूँगा ये किसके बराबर आएगा तो क्या मैं इसके पहले लिख सकता हूँ एड इज इंटीग्रेशन शाबाश बी डी एल कॉस थीटाज बी डॉट ये डॉट प्रोडक्ट है तो मैं लिखूंगा बी डी एल थीटा सो थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड डी एल बी मैग्नेटिक फील्ड डी एल किसका लेंथ एलिमेंट इस पाथ का लेंथ एलिमेंट अच्छे से ध्यान रखिएगा मान लीजिए करंट कर... इस लूप की मैंने डायरेक्शन ली ये कैसे ली जाती है नेक्स्ट लेक्चर में पूरा समझाएंगे सो फिलहाल मैंने इसकी डायरेक्शन ये ले ली लूप की डायरेक्शन सो दैट मीन्स मैं ऐसे दिखा रहा हूँ मार्कर पे ये करंट वायर है मैंने लूप ऐसे लिया लूप की डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ वो ऐसे है सो इस पॉइंट पर लूप की डायरेक्शन बेटा इन्वर्ट अगर मैं देखूंगा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी सो करंट ये है मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वर्ट सो इस पॉइंट पर लूप भी इवर्ट मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वर्ट सो हर जगह लूप और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा सेम दिखाई देगी यानी थीटा आएगा जीरो सो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर इंटीग्रेशन शाबाश बी डॉट डी एल किसके बराबर आया फिर बना कॉस जीरो फायर राइट इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस ज़ीरो सो ये बनेगा इंटीग्रेशन b इंटू डी एल कॉस जीरो इस बेटा वन क्या इस लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा डेफिनेटली बिकॉज इस लूप का हर एक पॉइंट इस वायर से सेम दूरी पे होगा इस लूप का हर एक पॉइंट इस वायर से सेम दूरी पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बेटा वो कॉन्स्टेंट होगा इसको बाहर निकालेंगे सो b निकलेगा बाहर यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dl ठीक तो ये क्या बनेगा बी वट इज़ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यूट द वायर अगर ये इन्फाइनाइट वायर है इनफाइनाइट वायर की वजह से बड़ा मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है पढ़ाया मैंने म्यू नाट आई बाई टू पाई आर ठीक अगर ये आर की दूरी पे हमने लिया हुआ है इस लूप का रेडियस अगर आर है सो तो बी के बदले हमने लिखा म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर और इंटीग्रेशन डी एल का मतलब हम छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स एड कर रहे हैं किसके इस लूप के छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो ये बनेगा सर्कम ऑफ द लूप यानी टू पाई आर टू पायर टू पायर विल कैंसिल आउट तो क्या आएगा म्यू नॉट आई यानी इंटीग्रेशन ऑफ बी एल किसके बराबर आया नॉट टाइम्स करंट एंड क्लोज तो ये प्रूफ है बेटा किसका एम्पियोर सर्कुलर लॉ का लेकिन आगे आप ये भी देखेंगे ये जरूरी नहीं है कि ये सर्कुलर लूप हो लूप कैसा भी हो सकता है अगर मैंने कायर करंट वायर ले ली लूप ऐसा भी हो सकता है उसके लिए तो बी फिर कॉन्स्टेंट नहीं होगा उसके लिए क्या किया जाए ये नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे उस टाइम पे बी कॉन्स्ट नहीं होगा लेकिन तब भी हम प्रूव करके निकालेंगे आंसर बराबर फिर से यही आएगा सो ये बात आप याद रखिए सो एम सर्कुलर लॉ की स्टेटमेंट फिर से मैं आपको याद कराना चाहता हूँ इट स्टेट्स दैट एम सर्कुलर लॉ की स्टेटमेंट क्या है स्टेट्स दैट सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू मी नाट टाइम इज अ करेंट एनक्लोज और line integral of magnetic field over a closed line is always equal to mu naught times the current enclosed Thee? thank you very much